स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज। स्वाति मालीवाल ने दर्ज कराया है बयान। शिकायत में विभव कुमार पर लात और थप्पड़ मारने का आरोप। दिल्ली के एम्स में स्वाति मालीवाल का हुआ मेडिकल। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा राजनीतिक हित के लिए मामला दबा रहे हैं केजरीवाल। स्वाति मालीवाल की शिकायत पर विभव कुमार के खिलाफ एक्शन में दिल्ली पुलिस। सीएम हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल सकती है पुलिस। दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा ने स्वाति मालीवाल के समर्थन में जारी किया पत्र। पत्र में लिखा ये कठिन समय है और ऐसे में महिलाएं आपके साथ। स्वाति मालीवाल बदसलूकी मामले में बीजेपी का केजरीवाल पर हमला जारी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा महिलाओं के खिलाफ अपराध पर आवाज उठाना हमारा काम। मुंबई के शिवाजी पार्क में एनडीए दिखाएगा अपनी ताकत। प्रधानमंत्री की रैली में सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे रहेंगे मौजूद। मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इंडिया गठबंधन की आज रैली। मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार और उद्धव ठाकरे समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। आज उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन बड़ी रैलियां। 11:15 बाराबंकी, 1 बजे फतेहपुर और 3 बजे हमीरपुर में होगी जनसभा। राहुल गांधी के खटाखट वाले बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कसा तंज। बोले चुनाव के बाद खटाखट बिखर जाएगा इंडिया गठबंधन। रायबरेली में आज राहुल गांधी के लिए प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। 3 बजे से 4:45 बजे तक संयुक्त चुनावी जनसभा होगी। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष गौतम पर हुआ रॉड से हमला। बीजेपी ने हमलावरों का टीएमसी से संबंध होने का लगाया आरोप। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। चारधाम यात्रा के दौरान मंदिर से 200 मीटर के दायरे में मोबाइल के इस्तेमाल और रील बनाने पर लगा प्रतिबंध। प्रशासन के मुताबिक धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। इंडिया गठबंधन की ओर से राहुल गांधी को बताया पीएम कैंडिडेट। कांग्रेस नेताओं के राहुल को पीएम कैंडिडेट बताने पर इंडिया गठबंधन में सियासी घमासान जारी। आरजेडी ने कहा 4 जून के बाद तय होगा पीएम कैंडिडेट। घाटकोपर होर्डिंग मामले में मुख्य आरोपी भावेश भिंडे को मुंबई क्राइम ब्रांच ने उदयपुर से किया गिरफ्तार। बीजेपी ने उद्धव के करीबी होने का लगाया आरोप। राजस्थान के जालौर में हाईकोर्ट के आदेश पर 140 मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध। प्रदर्शन कर रही भीड़ पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। उत्तर प्रदेश के अमेठी में 12:30 बजे गृहमंत्री अमित शाह की जनसभा। दोपहर 3:30 बजे ओडिशा के सुंदरगढ़ और 5:15 बजे रांची में करेंगे रोड शो। उत्तर प्रदेश के बलिया में 11:00 बजे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की जनसभा। दोपहर 3:00 बजे देवरिया में भी करेंगे रैली। बिहार के मधुबनी में कांग्रेस और आरजेडी पर गृहमंत्री अमित शाह का हमला। कहा इटली से आए लोग मैथिली का सम्मान नहीं कर सकते, गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटका देंगे। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव का विवादास्पद बयान। कहा बिहार में पीएम आए चाहे उनके पिताजी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा। कहा उनके रहते रामलला दोबारा टेंट में जाएं, भूल जाइए आपकी संपत्ति का बंटवारा, वोट जिहाद करने वालों को जाए ये मैं नहीं होने दूंगा। जयपुर के रामगंज इलाके में 2 समुदायों में झगड़ा और पथराव। मारपीट में कई लोग हुए घायल। 3 थानों की पुलिस ने हालात को कंट्रोल में किया। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई। 13 मई को सुनवाई करते समय कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। और महाराष्ट्र पहुंची हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने उद्धव ठाकरे पर बोला हमला। बोली बाला साहब ठाकरे की विरासत संभाल नहीं पाए उधर।